इस देश को आजादी 2014 के बाद मिली। क्यों, क्या आजादी का मतलब ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, आप जो माइक लेके खड़े हैं और हम जो बोल रहे हैं और सारी दुनिया जो सुन रही है, ये तो 2014 के बाद ही संभव हुआ। पहले नहीं था, पहले नहीं था, पहले बोलने मीडिया नहीं। मैं कह रहा हूँ मैम, बोलने की आजादी और बोलने के लिए अकल, ये 2014 के बाद मिला है। ये 2014 के बाद पैदा हुए ऐसा मुझे लगता है। खर्चा अकल भी नहीं था 2014 से पहले। अपनी बात कर रहे हैं तो मैं इसमें क्या कहूँ, मैं तो इन्हें जानता नहीं भाई साहब को, मैं तो भाई साहब को जानता नहीं। अब इनके पास 2014 से पहले ना बोलने की आजादी थी, ये गूंगे थे। 2014 से पहले इनके पास अकल नहीं थी, तो मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब इन्हें 14 से पहले का कुछ दिखता नहीं तो अलग बात है। भाई साहब आज ये दो टांगों पे खड़े हैं तो 14 से पहले के इनको पोलियो के टीके लगे होंगे, जिसकी वजह से और 14 से पहले बोलने की आजादी की आप बात करते हो। 14 से पहले सारा का सारा मीडिया जो है कांग्रेस को गरियाता था, सारा का सारा मीडिया कांग्रेस की लानत मलानत करता था। मनमोहन सिंह को सारा मीडिया मोहन सरदार, रॉबर्ट सरदार, रॉबर्ट सरकार बोलता था। क्या ये बोलने की आजादी नहीं थी? हाँ, ये बोलने की आजादी नहीं थी। किसका मुरो का, किसको जेल में डाला, किसको जेल में डाला? कि अगर मनमोहन सिंह को मोहन मोहन बोल दिया तो किसको डाला जेल में, बताओ? और आज आप बोल के दिखा दो आप ना जेल में हो तो बात है। मोदी मीडिया कांग्रेस ने बनाया, मोदी ने उसको आजादी दिया। चाचा, प्रेस इंडेक्स दूसरी बात कितना था, आज कितना? दूसरी बात, प्रेस बिफोर मतलब ही नहीं पता क्या पूछ। प्रेस रिवोल्ट किया 2009 के बाद, मनमोहन सिंह की आलोचना 2009 के बाद से होने लगी और इतनी आलोचना हुई, इतने घोटाले हुए और सब सच्ची खबरें आई उसके बाद से पूरा। 2014 से पहले देश में कुछ काम ही नहीं हुआ। 2014 से पहले जितनी स्पीड होनी चाहिए थी उस स्पीड में काम नहीं हुआ। 2014 से पहले अगर 65 वर्ष हुए 2014 तक आजादी को, तो जहां पर इस देश को पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। कहां पहुंचना चाहिए था? ना बौद्धिक स्तर पर, ना आर्थिक स्तर पर, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और ना समस्याओं के निपटारा पर, ना गरीबी पर, ना बेरोजगारी पर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अच्छा, जब आजादी मिली थी भारत में क्या था? 2014 क्या स्टडी है, क्या स्टडी है? बात क्या है, अगर आज बलात्कार के हम चर्चा करें तो 2014 से पहले का बलात्कार का चर्चा नगण्य क्यों है, बंद क्यों है? अगर आज हम हत्या का चर्चा करें तो 2014 से पहले का इग्नोर क्यों किया? अगर आज बेरोजगारी की चर्चा करते हैं, निर्भया भूल गए? 2013 निर्भया भूल गए? निर्भया के साथ गलत हुआ था ना, उसके जो बलात्कारी थे उनको फांसी दी गई या नहीं दी गई? आज की डेट में 14 के बाद बता दो कौन से बलात्कारी को फांसी दी गई है, एक बलात्कारी का नाम बता दो। 14 के बाद से एक बलात्कारी का नाम बता दो जिसे फांसी दी गई। 2014 में एक बलात्कारी का नाम बताओ। इसका मतलब क्या, ये था? सुनिए, आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म जन्म कंगना आर्य मैडम क्या बोल रहे हैं जी? आपका जन्म कब हुआ? जन्म आपका नाम? अरे इन्हें कंगना क्या 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 कहना बताइए, कह रहे 2014 से पहले तो इतनी सारी चीजें हुई, आप कह रहे कुछ हुआ? 2014 से पहले क्या हुआ? कई चीजें हुई, इन्होंने गिनवाया कि रेप भी होता था तो फांसी हो गई। पहली बात यह है कि रेप का संबंध सरकार से कैसे है, कैसे है रेप का संबंध सरकार से कैसे है? चाहे कांग्रेस को भी माफी दे देते हैं, रेप का संबंध सरकार से कैसे है बताइए? तो आपने खुद ही बोला रेप पर चर्चा ही करना बेकार है, रेप सामाजिक समस्या है। तो बचा लोगे, सरकार कुछ नहीं करे, समस्या है सरकार क्या करे, उन्हें बढ़ावा। और उसके जैसे ये लोग अपने टिकट के ऊपर चुनाव लड़ाते हैं ना रेपिस्ट को, इनकी मानसिकता वही है। ये जब ही कहना चाह रहे हैं, इनका कहना क्या है कि आप रेप पे बात ही मत करो क्योंकि सबसे ज्यादा रेपिस्ट इन्हीं के लोगों के साथ होते हैं। भाई माला पिना के स्वागत करना मंच पे और अपने टिकट से चुनाव लड़ाना, ये तो इनकी पुरानी आदत है। पहले हुए तो फांसी नहीं हुई, निर्भया कांड ने पूरी यूपीए सरकार को खत्म कर दिया था। आज जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है, 2 मिनट का कोई मौन, 2 मिनट का कोई भाषण अगर मोदी जी ने दिया हो तो बता दो। एक मिनट, फांसी देना या ना देना क्या सरकार का काम है? नहीं, देखिए जी, इनका मानसिक अभी 22 साहब की उम्र अभी 10 साल है, बच्चे में दिमाग कम है, इस मारे इन्हें पता नहीं कि फांसी सरकार देगी या ये देंगे। सही कह रहे भैया, फांसी देना सरकार का काम है क्या? इसका काम है, कौन देगा? जनता का, कोर्ट का,
और अगर कोर्ट के आदेश पर, सुनो अब इनको जरा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, कोर्ट के आदेश पर जेल में फांसी दी जाती है, और जेलें जो है सरकार द्वारा संचालित होती है। वहाँ पे जो जेलर होता है वो डेथ वारंट पे साइन करता है, उसके बाद जो है जल्लाद आता है जो सरकार की बातों को अप्रूव करता है, और उसके बाद जल्लाद फांसी देता है। तो ये काम सरकार का ही तो होता है। कोर्ट तो उसको सजा दे सकता है, उसके बाद अमल में लाना तो काम सरकार का है, और किसका है? सजा हुई तब न दिया। हाँ तो फिर वो तो आदेश पालन हुआ मैडम। भाई साहब आप पूछना क्या चाहते हो, आप कहना क्या चाहते हो? आप तक एक तो बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, क्या आप कहते हो कि फांसी कौन देगा? फांसी तो गवर्नमेंट ही देगी, मैं थोड़ी दूंगा। अच्छा क्या क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं तो जिसपे जो आधा 14 का ज्यादा कम? हर बात का संबंध मोदी से और बीजेपी से जोड़ने के कारण ये बलात्कार पर सुई इसलिए रिकॉर्ड पर अटकी हुई है क्योंकि इसका संबंध बीजेपी से है, और हमको बीजेपी को लताड़ना है, मोदी को लताड़ना है, इसलिए बलात्कार की चर्चा है। अच्छा, बलात्कार एक सामाजिक समस्या है। अगर बलात्कार की ट्रीटमेंट जो होती है, कानूनी कार्रवाई जो होती है, उसमें अगर कोई तरह का दोगले किया गया, भाई भतीजावाद किया गया है, तो आप इस पर बहस कर सकते हैं। तो दोगले जो किया गया है, एक मिनट, दोगले किया गया है जो तिहाड़ जेल, एक मिनट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बीजेपी के आईटी सेल के 3 पदाधिकारी थे जिन्होंने लड़की का गैंगरेप करा था बंदूक की नोक पे, उनको आज जमानत दे दी गई है। गलती किसकी है? भाई थोड़ा ने दिया है। हाँ, किसने दिया है? बलात्कार पर चर्चा, बलात्कार पर चर्चा है, ये कुछ नहीं है। किसने दिया बताना? बलात्कार पर चर्चा, आप जो कह रहे हो ना कि सरकार ने आजादी दी, तो मुझे ये बताओ दिल्ली के अंदर जो जेलर है राम रहीम को 6 बार पैरोल देने वाला आज बीजेपी में शामिल हो गया, वो कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अगर कानून की बात है तो आप ये बताइए ना मेरे को, 6 बार कैसे अटके रहिए? यहीं सब विषयों पर अटके रहिए और सिद्धांतों पर कोई बात ना हो सरकार की, आपकी बातों पर अटके रहिए। आपकी सुई ऐसा 10 साल के बच्चे की तरह अटक गई है, बार बार घूम के वहीं चले जाते हो। आप तथ्यों पर बात करो किस तरीके से देश के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा क्या 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 मुद्दे आपको लगे जिसमें 2014 के बाद ज्यादा तेजी से काम हुआ है? सरकार की समीक्षा अगर करनी है तो उसके सिद्धांतों पर, कार्यशैली पर, उसके बनाए हुए संविधान पर होनी चाहिए। लेकिन घटने वाली घटनाएं जो है, आपराधिक घटनाएं, उसमें बलात्कार भी शामिल है और भाई साहब मटर बटर। कौन से देश में थे आप 2014 से पहले? इसी देश में थे, इसी में। तो आप 2014 के बाद, तो आप 2014 के अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता मिल रही। देश कौन सा था जहाँ रह रहे थे 2014 से? कौन से देश के स्कूल में पढ़े हो? वो इतना चला था भाई, जब आपने कहा आजादी 2014 के बाद आपको मिली। आजादी कहा, जन्म नहीं कहा, जन्म। अरे तो आजादी और जन्म एक ही बात है? मतलब आजादी से पहले जन्म है तुम्हारा? तुम्हारी लकड़ी में कितनी जान है कि आजादी से पहले खड़े हो गए? मेरा मतलब आप समझ गए? आजादी का मतलब इनका वाला हिसाब है के चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे हैं दान, और चढ़ गए घर की छत पे पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। इनका वो हिसाब हो रहा है, इन्हें पता कुछ नहीं है। ये लोग मानसिक संतुलन इनका खो बैठे हैं। अभी इनकी उम्र 10 साल है। अभी भैया तुम पोगो देखो, पोगो, ये राजनीति में मत उतरो। आप सिंचेन, सुजुका, ऐसी चीजें देखो। 10 साल का बच्चा बोनवीटा पीता है। जब इनको जन्म नहीं पता अपना, कब जन्म होगा? मुद्दे आप नहीं बता पाए जिस पे आपको लगा काम नहीं हुआ और अब ज्यादा तेजी से काम। अब बुलेट ट्रेन चल रही है, ये अभी बुलेट ट्रेन में आए बिहार से, पोगो राहुल गांधी देखते, और चलाने वाले इनके वही हैं। बनाते हैं ये क्या कहते हैं? राहुल गांधी पोगो, राहुल गांधी पोगो देखते हैं, आलू से सोना बनाते हैं। अच्छा, और नाली सोना वाला बयान बनाता है, आलू से सोना वाला, आलू से सोना राहुल गांधी बनाते हैं। चाय कौन बनाता है? ये तो 5 साल का बच्चा ही बोलेगा। आलू से सोना का बयान, आलू से सोना कौन बनाएगा? पोगो देखने वाले ही बनाएगा, नाली की गैस से, पोगो देखने वाले ही बनाएगा, पोगो देखने वाले से चाय कौन बनाएगा? भाई साहब वो ये भी बयान, अरे वो बयान राहुल गांधी का। हाँ भाई साहब, आप देखो ये मोदी का बयान है। अरे मोबाइल है जेब में, मोबाइल है। ये कमरा आगे आ रही है मेरे। अरे तुम हमारे लड़ रहा है तो सही से बात कर, दिमाग पे बात कर। आलू से सोना वाला बयान मोदी जी का था जिसको राहुल गांधी रिकॉर्ड कर रहे थे।
दिखा दो कहीं भी लिखा हो तुम मोदी जी के वीडियो राहुल मोबाइल है जेब में 850 रुपया 850 रुपया राहुल गांधी दे रहे थे 850। देखो मैं कह रहा हूँ इनके दिमागों की भट्टी बंद हो चुकी है, इन्हें जल्द से जल्द किसी इन्हें इबास की जरूरत है, इबास पहुंचाया जाए भाई साहब को जो मोदी जी ने एम्स बनाए ना इनके लिए, उन इबास में इनका इलाज हो। 850 बता रहे हैं ये, 8,500 रुपए की गारंटी दिया था, किसको मिला की गारंटी, किसको मिला, किसको मिला 15 लाख। वो तो जीतेंगे तब देंगे भाई, सरकार कहाँ बनी है भैया, भाई सरकार किसके सपनों में बना दी, ये हार गए। अरे तुम्हें 8,500, अरे सुनो भाई साहब, अब सुनो भाई साहब सुनो, इन्हें 8,500 रुपए के बहुत भूखे हैं, इनके घर का खर्चा नहीं चल रहा। 10 साल पहले मोदी जी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, काला धन आ गया तो, और मोदी ने एक मिनट हाँ तो मैं वो पूरी बात कर रहा हूँ ना, और मोदी ने कहा था कि 100 दिन में हम लाएंगे, 100 दिन में हम लाएंगे, तो कहाँ है वो, अब तो वो 40 लाख तो सेम वही चीज हुआ, वही सेम चीज वही हुआ। नोटबंदी करने का क्या फायदा हुआ जब काला धन नहीं आया, क्या जी काला धन नहीं आया तो नोटबंदी का फायदा, 2014 से पहले पाकिस्तान की क्या हालत थी, अब क्या हो गई, मतलब पाकिस्तान की हालत से भारत की तुलना कर रहे हैं ये लोग, कितने शर्म की बात है। अरे तो यहाँ क्या तू सोने की ईंट खा रहा है, सोने के पानी से नहा रहा भैया, नहीं तो कांग्रेस सरकार में कैसे नहाते थे, सोने के बाल्टी में नहाते थे, नहीं यहाँ तो तुमने नंगा कर दिया, कपड़े तक उतार लिए लोगों के। देखो की बात, 2014 से पहले ही पैदा हुए हो गए, बाद में तो हुए नहीं हो गए, पहले तो ये बताओ कि आपका जन्म कब हुआ, बताओ ना तुम, टॉपिक छेड़ो ना तुम। हाँ कुंडली तो मैं सन, अच्छा सुनो, सन 2014 से पहले, अरे सुनो ना, अब इन पे है ना, अब इन पे अपना खुद का जेट है, अपना खुद का प्लेन है इन पे, हाँ, और सन 2014 से पहले ये पैदल चलते थे, अब ये जेट से चलते, इनका अपना प्लान है ना, मर्सिडीज में चल रहे हैं, उस टाइम ये भूखे मर रहे थे। मर्सिडीज इस कमरे में रख रखी है क्या भाई, वो होगी जो बच्चे टू 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 उससे राहुल गांधी खेलता है। अच्छा तुम भी आजकल उसी से खेल रहे हो, तुम्हारे पप्पा भी उससे राहुल गांधी, वो पनौती भी प्लेन में जा रहा है, सिटी से पेट्रोल भरवा पाते, बंगाल में इतना हिंसा हुआ। अच्छा पेट्रोल की बात आ गई, रुक जाओ एक मिनट, पेट्रोल की बात आ गई, जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पेट्रोल कितना रेट है, कितना रेट है जी, क्या वादा किए थे कि 35 रुपए पर लीटर, भैया कितना रेट है, 55 वाली सरकार चाहिए या 35 वाली चाहिए, आज शतक मार दिया पेट्रोल ने भी, वाला था जितनी भी है 100 से नीचे है पेट्रोल, और बताओ ये भी गर्व की बात है, वारे भक्ति तेरी वारे, कितनी जबरदस्त भक्ति ले रहा भाई। 2014 में सिलेंडर कितने रुपए था, 400 रुपए। स्मृति ईरानी इतना लंबा घिया लेके और एक सिलेंडर लेके जंतर मंतर पे तांडव करती थी, आज वही स्मृति 10 रुपए, अभी 2014 में 400 दिखाओगे, अरे मैं लिया ही नहीं भैया, 10 साल का आदमी सिलेंडर कहाँ खरीदता है, जिस आदमी की उम्र 10 साल हो वो सिलेंडर कहाँ लेते हैं।